करेक्शन वाला वीडियो है, एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन 5 पे। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व टू द एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ना क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है यहाँ पे। तो यार देखो बच्चों, दोनों एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, थीटा पे, और वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, थीटा पे। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो डी एक्स बाय डी थीटा। सो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। बट ऐसे नहीं लिखने का बच्चों, ब्रैकेट लगाने का। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लीजिए इसको। माइनस 3 ए कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। ना आगे चलते हैं हम लोग, इसका भी डिफरेंशिएट करना है मुझे। डी वाई बाय डी थीटा, ए बैठा 3 का क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे स्क्वायर है, अपन ने क्यूब कर दिया गलती से, स्क्वायर स्क्वायर, परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ डेफिनेटली आई नीड टू फाइंड डी वाई बाय डी थीटा, मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो अब मुझे निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। अल्टीमेटली आपको पता है कि नॉर्मल पे जाने से पहले मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स बात करता है। फिर माइनस 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, तो मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? सो आप सब ने पैरामेट्रिक फॉर्म करा है, सो डी वाई बाय डी थीटा एंड डी एक्स बाय डी थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? वो रही 3 ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं है, 3 ए से 3 ए गॉन भैया, कॉस से कॉस गॉन, साइन से साइन गॉन, तो बचा क्या मुझे? माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोले तो माइनस टेन थीटा। एंड हम सबको पता है कि पॉइंट इसमें रखना होता है। सो बच्चों एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का टेन पाई बाय 4, बोले तो माइनस 1। सो बच्चों बट ये कौन है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बात, क्लियर आपको? नाउ नाउ मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि होता है माइनस 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। आपको पता है दोनों का आते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो एम वन डॉट एम टू इक्वल्स टू माइनस 1, क्लियर? सो बच्चों माइनस 1 अपॉन इसका भी कितना आएगा? माइनस 1, माइनस है माइनस गॉन, तो मुझे मिला 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस 1। क्या फंडा क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल्स टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा एट cos स्क्वायर थीटा एट पाई बाय 2, 90 पे चेक करना है। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम कांसेप्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट dx बाय d थीटा, 1 का 0 माइनस a sin का क्या हुआ? cos थीटा। y का क्या हुआ? डी वाई बाय डी थीटा 2 आ गया, बी कॉस थीटा रहा, और कॉस का क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा, और आगे क्या आ जाएगा? माइनस, की कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। मुझे निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा माइनस 2 बी। ईजी है, टफ नहीं है, ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 बी अपॉन ए साइन थीटा, वी नीड टू फाइंड द स्लोप एट पाई बाय 2। सो गाइस साइन 90 कितना होता है? कितना होता है? 1, तो 2 बी बाय ए। पर ये स्लोप किसका है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का है।
किसका है ये गाइस? स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब मुझे किसका स्लोप निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. आप लोग प्लीज ध्यान रखना एग्जाम्स में टाइम में जब क्वेश्चन पढ़े हैं तो ध्यान रखना स्लोप ऑफ नॉर्मल की डिमांड है यहाँ पे. तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, तो माइनस वन अपॉन टू बी अपॉन ए ऊपर गया, तो माइनस ए अपॉन टू बी दिया स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्लियर है? कॉपी करें. चंद्र साहब ये करेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ए ओडी एपिशन डेरिवेटिव सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन सेवन. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन सेवन की. क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट एट द टेंजेंट टू द कर्व. कर्व की क्वेश्चन दे रखी इस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो बच्चों हमको पता है यहाँ पे मुझे निकालना है पॉइंट जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है. अब क्या खास बात है, टेंजेंट जो है ना वो एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे? पैरेलल है. क्लियर है? यहाँ पे जो टेंजेंट या जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो. हमने इनिशियली डिस्कस किया था इसके बारे में. सो अब आते हैं क्वेश्चन पे. वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन. मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट. डन. मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन. नाउ व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन बोलूँ या मैं टेंजेंट बोलूँ बात एक ही है, देन द स्लोप इज ज़ीरो. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. डन. नाउ तो उसका डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. इक्वेशन टू ले लेते हैं, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं. बाय वन एंड टू क्या आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन को ज़ीरो. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ये क्या होना है? इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और ये भी इनडायरेक्टली क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो थ्री कॉमन आया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को ज़ीरो. थ्री गया उसके नीचे, तो फाइनली हमको मिलेगा टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो. परफेक्ट. नाउ ज़रा देखो, विल स्टार्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री को ज़ीरो. सो एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस थ्री. सो एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस वन को ज़ीरो. सो फाइनली वी हैव टू पॉइंट्स, एक्स को थ्री एंड एक्स को माइनस का वन. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आता. कि बच्चों नौ बच्चों ज़रा देखना, इन पॉइंट्स को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व में. कहाँ रखेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ कर्व. सो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स प्लस सेवन. एक्स को टू थ्री रखो, थ्री का क्यूब थ्री थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन. ज़रा देखो, समझदार हो तुम लोग, ये और ये गया. अब थ्री का स्क्वायर और एक और थ्री, तो थ्री का क्यूब हो जाएगा. कितना है बच्चों? नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन प्लस सेवन बोले तो माइनस ट्वेंटी. तो बच्चा पॉइंट क्या आया मेरे पास? थ्री कॉमा माइनस ट्वेंटी. क्या डन है यहाँ पे? थ्री कॉमा माइनस ट्वेंटी. एंड लास्ट पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों? व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, उसको भी इस इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे हम लोग. वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर नाइन माइनस वन प्लस सेवन. माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस का स्क्वायर प्लस, तो मुझे मिला माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस नाइन प्लस सेवन. सो फाइनली मुझे मिलेगा, ये हुआ माइनस फोर, तो ये हो गया फाइव प्लस सेवन. तो वाई आया बच्चा अपने पास ट्वेल्व. डन. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. सो फाइनली पॉइंट जो आया बच्चों वो आएगा माइनस वन कॉमा ट्वेल्व. सो वी गॉट टू पॉइंट्स. परफेक्ट, क्लियर गाइस? बस ध्यान रखना, खास बात यह है कि पैरेलल है तो स्लोप होगा जीरो. ये वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत चीज़ें डिस्कस किया है. पॉइंट आया, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखें, आराम से आंसर आएगा. सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर एट्थ, ध्यान से देखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट तो है ये, ठीक है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. मुझे क्या निकालना है? डिमांड किसकी आ रही है? पॉइंट की आ रही है. हमेशा ध्यान रखना, डिमांड किसकी आ रही है? इक्वेशन की आ रही है? पॉइंट की आ रही है?
क्या आ रहा है ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है मुझे एट द टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द दिस टू पॉइंट. कॉर्ड पता है क्या होता है, आई होप सो कोर्स को पता होगा, सर्कल के अंदर जो लाइन बनती दैट इज कॉर्ड. सो अब इधर देखें डायग्राम देखें, ये कर्व है मेरा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल है इस कॉर्ड के, और ये कॉर्ड किस दो बन मिलके बना है 2.0 एंड 4.4. ये डायग्राम सिर्फ रफ डायग्राम है समझाने के लिए. नाउ पैरेलल नाम सुनते ही, पैरेलल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि दो लाइंस का स्लोप क्या है, इक्वल है. अल्टीमेट टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन ही है, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल है. सो नाउ अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कर्व लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स करते हैं. एक्स का क्या होगा, वन होगा. सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालता हूँ जो कि किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के होगा, इक्वेट कर देंगे मुझे क्या मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे. सो लेट्स कैलकुलेट स्लोप ऑफ कॉर्ड जो कि क्या है, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. डन. सो स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते हैं, क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. पॉइंट्स क्या है, ये रहे 4-0 अपॉन 4-2, 4/2 कितना आया, 2 आया. स्लोप कितना है, 2 है, और ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के, तो बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2. इस पे एक बहुत मेजर मिस्टेक होती है जो आप लोग करते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर दिया मैंने, तो मेजर गलती जो आप लोग करते हो, ये जो वीक होते हैं स्टूडेंट जिनका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत आता है वो थोड़ा ध्यान रखें. यहाँ पे 2 से 2 काटा और आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं. प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखें, यहाँ पे ऐसी गलती ना करें. कैंसिल आउट हुआ है तो कितना आएगा, 1 आएगा, और मुझे कितना मिला, x इक्वल टू क्या मिला, 3 मिला. कितना मिला, x इक्वल टू 3 मिला. और पॉइंट y लाना है, कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे कर्व में. सो y कितना आया, 1. सो पॉइंट क्या आया बच्चा हमारे पास, 3.1. क्लियर है, यहाँ पे कॉर्ड्स का ध्यान रखना, पैरेलल है मतलब वो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे स्लोप्स. क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट, क्लियर है यहाँ पे, कॉपी करें. सो लाउड नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, हमेशा कर्व की इक्वेशन मिलेगी हमको आपको. एट द टेंजेंट इज, टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है. क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है हमको, कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका स्लोप निकालेंगे. कैसे आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आ जाएगा, कंपेयर कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वेट कर लेंगे और पॉइंट आ जाएंगे. चलो अभी तो पॉइंट निकालते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, डी वाई बाई डी एक्स करा हमने 3x का स्क्वायर माइनस 11, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है गाइस, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11. याद है फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत कम आता है ध्यान रखना. आगे कितना है, 1 है, तो कंपेयर करो, m कितना आया, 1. ये कौन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की, तो स्लोप किसका निकलेगा, टेंजेंट का निकलेगा. 1, 2 बाय 1 एंड 2, कंपेयर करें दोनों को, ये है तो हमारा dy वाई बाई डी एक्स के बराबर ही है. सो 3x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 12 हुआ, दो पॉइंट आए. सो गाइस मुझे बताइए कहाँ रखेंगे ये पॉइंट को, यहाँ या यहाँ, हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व में, रिमेंबर दिस, ओके. कभी भी गलती से भी इक्वेशन इसमें मतलब टेंजेंट में मत रख देना, हमेशा कहाँ रखना आपको, कर्व में रखना है, ये बात अच्छे से याद रखना. अक्सर ये बच्चे गलतियाँ करते हैं, प्लीज रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कर्व में रखना, ये बात ध्यान रखना. नाउ सो वाई निकालते हैं हम लोग,
व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 11 इनटू 2 प्लस 5 8 माइनस 22 प्लस 5 दिस बिकम 13 माइनस 22 7 8 नो माइनस का नो पॉइंट आया हमारे पास 2 कॉमा माइनस 9 द लास्ट पॉइंट व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2 क्यूब माइनस 11 का माइनस 2 प्लस 5 माइनस 8 माइनस का क्यूब कितना आया माइनस का क्यूब माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5 कितना बचा माइनस 8 प्लस 27 इट बिकम 19 तो y कितना आ रहा है हमारे पास 19 सो पॉइंट कितना आया माइनस 2 कॉमा 19 क्लियर है यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए सारे कंसेप्ट क्लियर है y को शो mx plus c से हमने स्लोप निकाला कंपेयर किया और सिंपली हमने पॉइंट निकाला है आया समझ में कॉपी करें यस क्लास देखो यहाँ पे पॉइंट्स दो आए मेरे पास पर दोनों में दोनों सेटिस्फाई इसमें से एक ही सेटिस्फाई कर रहा है और एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा थोड़ा ध्यान से देखें ये समझना इस पॉइंट पर रखो इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट में रखें देखो यहाँ पे x में 2 रखा 2 माइनस 11 कितना आया माइनस 9 तो y माइनस 9 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो ऑब्वियसली देखो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कर्व का भी है और टेंजेंट का भी है और नाइन्थ और टेंथ पढ़ते आए हम लोग जो पॉइंट जिस लाइन पे उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ये सिर्फ देख रहे कि आंसर दो हैं जनरली जाना ना ओलंपियाड या कॉम्पिटिशन एग्जाम से हम लोगों को ऐसी चीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वरना हम लोगों से गलती हो जाएगी सो जब भी दो पॉइंट्स आए प्लीज आईआईटी किसी भी एग्जाम्स में चेक कर लेना हमेशा ठीक है और इसको देखो जब ये पॉइंट चेक करते हैं हम लोग x में रखा माइनस 2 है माइनस 2 रखो माइनस 2 माइनस 11 कितना हुआ माइनस 13 और आ क्या रहा है 19 तो दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो इस पॉइंट को हम लोग नहीं लेंगे और किस पॉइंट को लेंगे 2 कॉमा माइनस 9 क्लियर है कॉन्सेप्ट कॉपी करें यस लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10th इजी है टफ नहीं है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस इक्वेशन अच्छा इस बार हमको क्या निकालनी इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में स्लोप निकाले थे सेकंड पार्ट में हमने सीखा पॉइंट्स कैसे निकालते हैं नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द इक्वेशन फॉर्मूला बहुत क्लियर है इजी है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप स्लोप भी गिवन है मुझे माइनस 1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व मतलब टेंजेंट का क्या निकालना टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है क्योंकि टेंजेंट का डिस्कशन हुआ है नॉर्मल मत निकाल देना नॉर्मल की कोई बात कर भी नहीं रहा है ठीक है किसकी बात कर रहा है टेंजेंट की तो क्या है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और x 1 हो नहीं सकता आपको पता है 1 होगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड सो अब चैलेंज आता है डिफरेंशिएशन का जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन वीक है वो चैप्टर करने से पहले स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन कर ले ओके नाउ इसका क्या होगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर आई होप सो आपको आता होगा थोड़ा सा आइडिया देता हूँ डिफरेंशिएशन का 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर ऊपर गया माइनस 1 आया माइनस 1 आगे आएगा और n माइनस 1 होता है तो माइनस 1 माइनस 1 कितना हुआ माइनस 2 और जो कि पावर नीचे आ जाएगी और देखते हैं d बाय dx करा मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे माइनस 2 आगे आ जाएगा याद रखें ऐसे माइनस 2 और n माइनस 1 होता है तो 3 हो गया और यहां आ गया d बाय dx हो 1 अपॉन एक्स की पावर 100 याद रखे हैं तो क्या होगा माइनस 100 अपॉन एक्स की पावर 101 एक इंक्रीज डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेक ए शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा यहाँ पे और देखें d बाय dx ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 10 सॉरी 10 आया ऊपर गया माइनस 10 नीचे आया x प्लस 10 की पावर 11 और थोड़ा बहुत देखिए डिटेल जाए चेन रूल में घुसते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्लियर है यहाँ पे सो सीधी सी चीजें क्लियर है d बाय dx करा मैंने x की पावर
50 करा अपने, चलो तो माइनस 50 अपॉन एक्स की पावर 51। थोड़ा डेरिवेटिव ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाला है स्पेशली इंटीग्रेशन के अंदर। हम उसका वीडियो बनाएंगे तब और डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है ना, अभी रुको, चलो ये तो हुआ इसके बारे में। नाउ आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो स्लोप कितना गिवन है मुझे, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, माइनस वन बाय वन एंड टू। इन क्लास आप लोग समझते हैं, देखो एक चीज़ जो निकालने को बोलेगा तो दूसरी चीज़ दे देगा, एक चीज़ निकालना है तो दूसरी चीज़ इसको देनी ही पड़ेगी। कैंसिल आउट हुआ, कितना आया, वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये रूट्स पे आएगा तो कितना आया, प्लस माइनस वन। दो केस आए हमारे पास, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन। इधर कितना आया, टू। इधर कितना आया, जीरो। सो वाई निकालें, कहाँ रखना होगा, कर्व में। सो वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, वैन एक्स इक्वल्स टू टू, तो वाई इक्वल्स टू वन अपॉन टू माइनस वन इक्वल्स टू वन। पॉइंट क्या आया बच्चा हमारा, 2.1। क्लियर है, वैन एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो माइनस वन, कितना आया, माइनस वन। 0.-1, दो पॉइंट आए, दो पॉइंट आए तो मतलब कितनी इक्वेशन निकलेगी, दो इक्वेशन निकलेगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y-y1 इक्वल्स टू, कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे आई थिंक, आराम से हो रहा होगा, बहुत इजी पार्ट है ये। व्हेन पॉइंट 2.1 एंड स्लोप कितना है, स्लोप कितना है हमारा, गिवन है माइनस वन, तो वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस टू, ध्यान रखना प्लस का, माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। एंड लास्ट व्हेन पॉइंट कितना है पास, 0.-1, तो y माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वन इक्वल्स टू स्लोप है हमारा माइनस वन, एक्स माइनस जीरो यहाँ लिया है, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। दो इक्वेशन आ गई, क्लियर है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन किया, माइनस वन की इक्वेट करा, पॉइंट्स आए, कर्व में रखा, y आया, दो पॉइंट्स आए, दो इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है यहाँ पे। चलो कॉपी करें,